सब्सक्राइब कीजिए टेक्निक लेडी शो ड्रेस चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन पर ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आर्म होल का शेप कैसा करना चाहिए। और दोस्तों जैसे कि हमने बताया पिछले वीडियो में कि आर्म होल का जो होता है शेप किस तरह से होगा, और आर्म होल जो होता है बड़ा और छोटा हो जाता है आर्म होल लेंथ के हिसाब से। तो दोस्तों मैं आपको सारा बताऊंगा, बोट नेक कटिंग करना, डीप नेक कटिंग करना, डीप नेक के हिसाब से तीरा कटिंग करना और नॉर्मल नेक के हिसाब से तीरा कटिंग करना और बेन नेक के हिसाब से तीरा कटिंग करना। और दोस्तों मैं आपको बताऊँगा जैसे आप वैसे कटिंग कीजिएगा, आपको कभी भी इस साइज में 44-45 साइज में कभी भी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं पूरा बारीकी से बताऊंगा। पिछले वीडियो में बताया हूं उस हिसाब से, और ये जो मैं आर्म होल शेप कटिंग करके बताऊंगा इस हिसाब से, दोनों वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। यकीनन आपको कोई नहीं बताया होगा, बस आपको ये वीडियो देखना है। देखने में आपको कोई थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आपको बहुत ही नॉलेज इस वीडियो से मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक कपड़ा लिया हूँ मैं, एक एक्स्ट्रा कपड़ा है, ऐसे कोई सूट नहीं है। और दोस्तों देखिए सबसे पहले कपड़ा को फोल्ड करेंगे और इस तरह से आप निशान लगाएंगे। तो दोस्तों नॉर्मली इसमें बैन नेक हो एक डेढ़ इंच हो तो 7.5 इंच आर्म होल लेंथ रखेंगे, कमर 15 रुपये कर लेते हैं। और पहले हम इस तरह से एक निशान लगाएंगे और एक आर्म होल का निशान लगाएंगे। और दोस्तों कटिंग में हमारा तीरा का और ब्रेस्ट यही काफ़ी होता है आपको समझाने के लिए, मुझे काफ़ी है। फिर हम कमर एक लगा लिया एक समझाने के तौर पे जो आपको सही से समझ आ जाए। तो 7.5 हमने लगा लिया है। और दोस्तों अगर आपका बेन नेक है तो आपका तीरा इसमें बैठता है 15.5 इंच 44 के हिसाब से, 8.25 लेना है। 8.25 लेने के बाद 1 इंच इसमें हमारा मार्जिंग जाएगा, बाजू जो अटैच होगा। ठीक है, ये हमारा ब्रेस्ट हुआ और इस जगह से दोस्तों हमारा इसमें फ्रंट तीरा कटेगा 5 इंच। आपको 5 इंच ही लेना है चाहे आपका तीरा कोई भी हो। हमने इस तरह से निशान लगाया और इस जगह से हमने इस तरह से निशान लगाया, यहाँ से हम 5 इंच निशान लगाएंगे। और मेरा कमर समझ लीजिए ये 22 है तो ये 19.5 तो आना ही है। नॉर्मली कमर का कोई हिसाब नहीं होता, प्लेट्स का भी कोई नाप नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कमर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और इसमें ध्यान दीजिएगा आपका शेप किस तरह होगा। जैसे हमने यहाँ से लिया 5 इंच, यहाँ से लिया हमने 5 इंच, 44-45 साइज में हमने सब अलग अलग साइज में अलग बताया है। ठीक है, और इसमें देखिए जैसे हमने गोल गला कटिंग करते हैं सेम आपको वही हिसाब से आपको ये निशान लगाना है। ये मेरा खुद निकल के आएगा, ये हमारा हो गया शेप के लिए। और ये हमारा ब्रेस्ट 4 भाग करेंगे, जितना हमारा ब्रेस्ट होगा इस साइज में 11 इंच है, हमने 5 इंच लिया। इसमें आपको शेप देना है एक गोल गले जैसा। मार्जिन अपने हिसाब से रख लीजिए, ज़्यादा भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 इंच भी ले लें, 2.5 इंच ले लें, 3.5 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टिचिंग करने में इसको हम काट सकते हैं। इस तरह से निशान लगा लेंगे, मार्जिन अपना मर्जी से रखें। और इस जगह पे दोस्तों 0.5 इंच डाउन होगा, हमने यहाँ पे रखा 7.5 तो यहाँ हमारा आएगा 7 इंच। इस तरह से 0.5 इंच डाउन कर देंगे। हमें एक बार चेक कर लेंगे, होगा ये नहीं कि हमने जो निशान लगाया था उसी पे कटिंग करनी है, खुद थोड़ा बहुत हमें अपना भी देखना है, निशान के हिसाब से भी नहीं चलना है। एक वो निशान एक अंदाज होता है। ये हमारा इस तरह से फ्रंट कट जाएगा।
और उसके बाद हम बैग पे रख के फिर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हमने ये कपड़ा लिया हुआ है जो आपको सही सही दिखे वो, इसलिए मैं दूसरा थोड़ा अलग कलर के लिया हूँ। इस तरह से आप अगर कपड़े में बिठा लेंगे, ये आपको ध्यान देना है, ये आपको इस पर पूरा सही से बिठाना है। इस तरह से बिठाने के बाद हमने लिया था 5 इंच, और यहाँ से बैक के लिए हम लेंगे 2 इंच। इस तरह से आपने इस तरह से लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। और आप देख लीजिए इस तरह से कितना आ रहा है, 3 में थोड़ा सा कम आ रहा है, इस जगह से इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें ये गैप 1 से 1 सूत इस तरह से आएगा, और इसमें हम एक शेप देंगे इस तरह से। ठीक, तो मैं पहले ही बताया था दोस्तों कि हमारा निशान के हिसाब से हमें कटिंग नहीं करना है, थोड़ा इधर उधर आपको खुद करना होगा, क्योंकि हमारा निशान पूरा सही से नहीं लगता है। इस तरह से होने के बाद अब मैं आपको इसको नाप लेंगे। फ्रंट आया हमारा 10 इंच। तो दोस्तों ये हमारा आता है 19 इंच। बैक ने मैंने आपको दिखा दिया, बैक फ्रंट दिखा दिया, अब बैक टोटल हमारा आर्मोल सूट का आता है 19 इंच। तो इसका हाफ करेंगे तो दोस्तों 9.5 आता है, तो हमारा ये 1/2 इंच बड़ा हो गया है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बड़ा हो गया है तो हमारा इस तरह से आप इसको हल्का सा कम कर सकते हैं, या तो हमने बाजू अटैच करने में बताया है 1/2 इंच 1 इंच हम कैसे कम करें, वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। देखिए माइनस हो गया, इस तरह से आप चेक कर लेंगे आर्महोल को। और दोस्तों कम हो जाए तो इस जगह से इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा 2 सूत कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्महोल लेंथ बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा बैन नेक, और 1 से 1.5 इंच बैन नेक हो, बैक नेक हो, तो हमारा सेम यही कटेगा, ठीक है दोस्तों। और इसी में अगर आपका 2 से 4 इंच हो बैक नेक, तो दोस्तों इसमें आपका तीरा आता है 14 इंच। तो दोस्तों हम यहाँ इधर से लगाएंगे हम 15 इंच, इस तरह से सेम हम वही रखेंगे 5 इंच यहाँ से, और इसमें एक निशान लगाएंगे। ये हमारा होता है हाफ से, ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा कटर दिख रहा है आपको, थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत काफ़ी होता है इधर, इस तरह से ये काफ़ी कट जाता है। आप देखिएगा ध्यान से अभी कितना कैसे क्या होगा। देखिए पिछले वीडियो हमने बताया था 8 से 2 सूत माइनस है, ये हमारा मैंने आपको दिखाया हूँ 8 से 2 सूत कम है। जब आपका बैक डीप होगा बैक नेक, तो आपका ये आर्महोल यहाँ पर आएगा, तो आपका आर्महोल लेंथ कम होगा, ठीक है दोस्तों। इसी में अगर आपका 2 से 4 इंच हो बैक नेक, तो आपका तीरा बैठता है 14 इंच, तो आप यहाँ से निशान लगाएंगे 1 इंच ज़्यादा करके, तो इसमें आपको यही शेप देना है, सेम वही 5 इंच में इसको इस तरह से शेप देना है। सेम वही 2 इंच रखना है, सेम हमें इस तरह से रखना करना है। देखिए आपका ये बढ़ गया होगा। अब दोस्तों 8 से 2 सूत कम था, ये 8 1 सूत हो गया है, ये बढ़ता जाता है, इसलिए हिसाब से तीरा कम होगा। अभी तीरा कम नहीं, ये सॉरी अभी तीरा कम करेंगे, 2 से 4 होगा,
दो 3 इंच से गले से लेके और दोस्तों आपका 7.5 इंच बैक टिप हो तो आपको आर्मो लेंथ 7.25 करना है। तो इसको हम आर्मो लेंथ कम कर लेते हैं। अब देखिए मैं नाप के दिखाया, बड़ा हो गया था इस तरह से। आप जब आपका बैक नेक डीप हो आपको पहले ही आर्मो लेंथ कम करना है, यानी कि कटिंग करने के बाद करेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका 5 से 6 इंच बैक नेक हो तो इसका तीरा बैठता है 13.5। तो दोस्तों इस साइज में 5 से 6 इंच बैक नेक हो तो आपका बोट नेक भी होता है। तो बोट नेक कैसे कटेगा, तो दोस्तों 13.5 है तो हम 14.5 लगाएंगे इस तरह से, और ये हमारा 5 इंच ही रहेगा, इधर से भी हमारा 5 इंच ही रहेगा। तो स्केल की मदद से इस तरह से स्ट्रेट कर लेते हैं और इसमें हम एक शेप देंगे। अब मैं कैंची से ही बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और सेम हम वही 2 इंच रखेंगे और इस तरह से हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा शेप इस तरह से होगा बोट नेक के लिए। बोट नेक में आप रखेंगे चौड़ाई इसका बोट नेक का दोस्तों 10 इंच, इतना आपका बाजू में जाएगा, इतना आपका बचेगा। इसका डीप जो नापेंगे इस तरह से नापते हैं, 5 है तो आपको 5.5 रखना होगा, इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको शेप देगा। हम इधर से नापेंगे 5, नॉर्मल गले में हम इस तरह से नापते हैं। बोट नेक हम इधर से करेंगे 5.5। जब मैंने बोट नेक में कटिंग करके बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि गला किस तरह से कटेगा, साइज के हिसाब से डीप किस तरह से साइज के हिसाब से रखेंगे, वो आपको एंड स्क्रीन पे या तो आई बटन पे दे दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका 6.5 इंच गला हो या 7 इंच गला हो तो इसका तीरा बैठता है आपको आपका 13 इंच। तो हम इधर से 14 इंच कटिंग करेंगे और सेम वही 5 इंच रखेंगे, इधर से भी हम 5 इंच रखेंगे। आप देख रहे हैं कि शेप का शकल, मतलब ये जो कैसा था पहले अब कैसा हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इस तरह से सेम कटिंग करेंगे। इसमें और थोड़ा सा इसमें शेप होगा क्योंकि मैं अभी वीडियो बन रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा कटिंग करने में। इस तरह से आऊँगा तो मैं कैमरा में भी आ सकता हूँ अभी, इसलिए मैं थोड़ा प्रॉब्लम मुझे भी है आपको सिखाने में। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसी में अगर आपका 7.5 से 8 है, 7.5 बैक नेक और 8 नेक है तो दोस्तों आपका तीरा बैठता है इसमें 12.5। तो 13.5 लगाएंगे निशान, ये हम 5 इंच रखेंगे, इधर से हम 5 इंच रखेंगे और इसी में शेप देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपका 8.5, 9, 9.5, 10 इंच गला हो तो दोस्तों इस साइज में आपको आर्म लेंथ लेना है 7 इंच, यहाँ से रखना है आपको 1/2 इंच डाउन 6.5 इंच। आपका तीरा आएगा दोस्तों इस साइज में 12 इंच, तो हम रखेंगे 12.5 मतलब 13 इंच। ठीक है, पहले हम आर्म लेंथ कम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने तीरा 1/2 इंच बढ़ा के लेना है जो हमने बताया आपको पिछला वीडियो में,
उसमें हमने सारा ओके तैयार बताया था पूरा। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये आपको नाप के भी मैं दिखाऊंगा। अभी हमने यहाँ से कम किया है, देखिए पहले तीरा कितना था हमारा, 15.5 इंच, तो हमारा आर्म होल इस जगह पे आ रहा था, ओ सॉरी तीरा इस जगह पे आ रहा था और इस तरह से हमने किया था। अभी लास्ट हमारा है 8.5 से 10 इंच बैक नेट, तीरा होता है मेरा 12, तो हमने 12.5 लगाया हुआ है, 12 है तो हमने 13 लगाया हुआ है इस तरह से, और इस तरह से हमने एक निशान लगाना है। देखिए अब ये स्ट्रेट हो गया, पहले इस तरह से था, कितना हल्का हल्का गले के हिसाब से मैंने यहाँ तक आपको दिखाया हुआ है, इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। आपका ये यही रहेगा, इससे कभी तीरा कम नहीं करना है, कभी नहीं। किसी का होता है जो तीरा इस तरह से गोल होता है, ध्यान दीजिए मेरा हाथ को इस तरह से गोल होता है, मैं आपको इस तरह से करके भी दिखा देता हूँ दोस्तों, किसी का इस शेप में होता है तीरा, तो उसका तीरा गिरने का चांस होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले इसी हिसाब से कटिंग करेंगे, कोई कस्टमर हो या आपका हो जो मैं बताया हूँ उसी तरह से आप कटिंग करेंगे। अगर उसका तीरा गिरा जिस हिसाब से मैं बताया उससे ओनली ओनली आपको 1/2 इंच कम करना है तीरा, ज़्यादा नहीं करना है। आप ज़्यादा करोगे तो उसमें प्रॉब्लम हो गया कि जैसे हमारा ये समझ लीजिए गोल गला हम बैक नेक बना रहे हैं, बैक नेक में इस तरह से जैसे हमने बताया आपको इस तरह से आएगा। अगर आप तीरा कम कर लेते हैं उसमें होगा कि ये शेप जो है गोल, ये गोल नहीं रहेगा, इस तरह से हो जाएगा बैक नेक, इस तरह से मतलब खींचेगा ये पल्ला, क्योंकि आप कपड़ा जब तीरा कम देंगे तो ये खींचेगा, तो गोल शेप इस तरह नहीं होगा, तीरा उससे भी गिरेगा, तीरा कम हो तो भी तीरा गिरेगा, इससे आप कम कभी ना करें। ठीक है, तो ये हमारा इस साइज में, तो दोस्तों इस साइज में अगर तीरा आपका 12 है, 8.5 से 10 इंच, तो इसका आर्म होल लेंथ 7 इंच रहेगा, यहाँ से 1/2 इंच कम कर लेंगे। ठीक है, और इसमें सेम स्ट्रेट करने के बाद 5 इंच इधर से भी इधर से भी, इस तरह से करने के बाद आप इसमें शेप देंगे थोड़ा अच्छा सा गोलाई करके, तो दोस्तों ये हमने कॉटन कपड़ा लिया हुआ है, आपको अगर पतला कपड़ा हो तो उसमें प्रेस का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों हमने ये पूरा आपको कंप्लीट दिखा दिया है, बोट नेक के हिसाब से, बैक नेक के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, और हमने आपको बताया है बैक नेक में आर्म होल आपको 7.5 लेना है, और नॉर्मल गला हो तो उसमें आपको 7.25 लेना है, अगर आपका डीप नेक हो उसमें आपको 7 इंच लेना है। अगर आप आर्म होल कटिंग करते हैं इसमें भी आपका डीप नेक में हमने बताया आपको 7 लेना है, अगर आपका आर्म होल बड़ा हो जाता है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे तो हल्का सा और कम कर सकते हैं। तो आपको मैं आपको नाप के दिखा दूं, ठीक है दोस्तों 18.5 इंच आ रहा है, 1/2 इंच में मार्जिंग हो चाहिए दोनों में। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपका ये आर्म होल बढ़ जाता है 1/2 इंच बाजू अटैच करने में, आप सही से कर सकते हैं बाजू अटैच करने में। आर्म होल का जो है अगर 18.5 इंच हो रहा है, 18.5 इंच हो रहा है बाजू का आर्म होल आपको, तो 19 इंच रखना है दोस्तों, 1/2 इंच बाजू का आर्म होल बड़ा होना चाहिए। कभी भी आपका झोल जो इसमें जो बल आता है इस तरह से सुकड़ा सुकड़ा सा कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये हमेशा टाइट ही बाजू अटैच करना है, और बाजू का आर्म होल हम लूज रखना है 1/2 इंच सूट का आर्म होल से। ठीक है दोस्तों, पहले हमने यहाँ से कटिंग किया था 15.5 इंच पे, सॉरी 15.5 तेरा के हिसाब 16.5 कटिंग किया था, इस तरह से किया था, तो हमारा दोस्तों आर्म होल इस जगह पे आया था 7 इंच 8 इंच में 2 सूत कम आया था। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों आपका आर्म होल कम करने में तो आपका आ रहा है 8 इंच, 2 सूत अभी भी ज़्यादा है, आर्म होल थोड़ा बड़ा होगा कोई बात नहीं, बाजू अटैच करने में आप कर सकते हैं, इसमें हल्का सा कट कर दे तो भी हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आर्म होल लेंथ हमने 7 इंच लिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने कम किया है 1/2 इंच को, 1/2 इंच हमने कम किया है।
सेवन इंच आर्मोल लेंगे तो आपका ठीक आएगा। ठीक है, सेवन इंच में एक सूत कम कर लें, अगर तीरा आपका आर्मोल अगर बड़ा हो जाता है किसी किसी कपड़े में तो कोई बात नहीं, आर्मोल लेंथ हम सेवन से भी एक सूत इस तरह से कर लेंगे। आप अगर एक बार दो बार कटिंग कीजिएगा ना, आपको सारा पता चल जाएगा किस तरह से आर्मोल बड़ा होता है, किस तरह से कम होता है। लेकिन जो फॉर्मूला मैं बताया हूँ इस तरह से सेम कटिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया है बाजू का आर्मोल साइज हिसाब से कितना रहेगा, वो वीडियो भी आप देख लीजिए, आपको आई बटन एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों अगर आपको ब्लाउज कटिंग में अगर प्रॉब्लम, ब्लाउज में कभी भी देखिए ब्लाउज में बल या झोल का बहुत प्रॉब्लम होता है, ब्लाउज का अगर आप सीखना चाहते हैं हमें कमेंट कीजिएगा, आप जो कमेंट करते हैं बहुत खुशी होता है।